डीएनए शायद सबसे प्रसिद्ध जैविक अणु है। यह पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों में मौजूद होता है। डीएनए सभी जीवित जीवों के लिए सूचना का ब्लूप्रिंट होता है। जैविक अक्षरों का उपयोग करके डीएनए जीवों को जीवन, प्रजनन, उपापचय, परिपक्वता और अंततः मृत्यु के निर्देशों के बारे में बताता है। लेकिन डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, इस वीडियो में हम इससे जुड़ी लगभग सारी जरूरी जानकारी को कवर करेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर आपके शरीर में लगभग हर कोशिकाओं में डीएनए या जेनेटिक कोड होता है जो हमको हम बनाता है। डीएनए पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्य के लिए निर्देश होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से अगर मानव शरीर में मौजूद सभी डीएनए को सुलझाया जाए तो ये इतने लंबे होंगे कि सूर्य तक पहुंचकर 300 गुना बार वापस पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं। अनुवांशिक कोड में अंतर ही वह कारण है कि एक व्यक्ति के भूरे रंग की बजाय नीली आंखें होती है, या क्यों कुछ लोग कुछ बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, या क्यों पक्षियों के केवल दो पंख होते हैं और क्यों जिराफ की गर्दन लंबी होती है। डीएनए एक जटिल लंबा जंजीर जैसा दिखने वाला अणु होता है जो जीवित जीव की अनुवांशिक विशेषताओं को इनकोड करता है। अधिकांश पौधों और जानवरों में डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जिसे कोशिका नाभिक में रहने वाले गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमेटिन नामक प्रोटीन के साथ जुड़े बड़े संपीड़ित डीएनए अणु ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। हम अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA भी प्राप्त करते हैं जो हम केवल हमारी माँ से प्राप्त करते हैं और हमारे पिता से नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल के नाभिक के बाहर स्थित होते हैं। गर्भधारण के समय एक बच्चे को पिता और माँ दोनों से डीएनए प्राप्त होता है। हमारे पास माता पिता के गुणसूत्रों के 23वां जोड़े हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक को पिता से प्राप्त किया गया था और एक माँ से प्राप्त हुआ था। गुणसूत्रों के इन 23वें जोड़ों को परमाणु या न्यूक्लियर डीएनए के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर वे हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका के नाभिक में स्थित रहते हैं। 23वें गुणसूत्र को यौन गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। यह अन्य गुणसूत्रों के साथ एक पिता से और एक माँ से विरासत में मिलता है। माँ से 23वां गुणसूत्र हमेशा एक्स होता है। पिता से एक व्यक्ति को या तो एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है। पिता से विरासत में प्राप्त गुणसूत्र उनके लिंग को निर्धारित करता है। पिता के एक एक्स के परिणाम स्वरूप एक्स एक्स संयोजन होगा तो एक मादा शिशु का जन्म होता है। पिता के वाई के परिणाम स्वरूप एक एक्स वाई संयोजन होगा तो एक नर शिशु का जन्म होता है। कोशिकाओं में डीएनए की मुख्य भूमिका सूचना का दीर्घकालिक भंडारण और अनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना होता है। इसकी तुलना अक्सर ब्लूप्रिंट से की जाती है क्योंकि इसमें कोशिकाओं के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और आरएनए अणुओं का निर्माण करने के निर्देश होते हैं।